दोस्तों, जब भी किसी के शरीर में कोई परेशानी या बीमारी होती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसकी बीमारी के हिसाब से उसका इलाज कर देता है। कई बार डॉक्टर दवाइयों से ही मरीज को ठीक कर देता है और कई बार कोई ऐसी बीमारी होती है जिसके चलते डॉक्टर को मरीज का ऑपरेशन भी करना पड़ जाता है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनका ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर्स के भी होश उड़ जाते हैं। आज के वीडियो में हम आपको ऐसी ही बीमारियों के बारे में बताने वाले हैं जिनको जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मटर के दाने को अंकुरित होने के लिए सिर्फ गर्मी की जरूरत होती है। उसे जितनी गर्मी मिलेगी वो उतना ही ज्यादा ग्रो होता चला जाएगा। जर्मनी में रहने वाले मार्को के साथ भी यही हुआ। इन्हें कच्चे मटर खाना काफी पसंद था। एक दिन ये ऐसे ही मटर खा रहे थे जिसमें से एक मटर का दाना इनके दांतों से बिना चबे सीधा इनके दिल के पास जा पहुंचा, जहां वो अंकुरित होने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां उसे अंकुरित होने के लिए पर्याप्त गर्मी मिल गई थी। कुछ दिनों बाद मार्को को दिल के पास दर्द हुआ और वो डॉक्टर्स के पास गए। डॉक्टर्स ने गैस का दर्द बता के उन्हें एसिडिटी की गोली दे दी, लेकिन जब उन्हें आराम नहीं मिला तो वो दोबारा डॉक्टर के पास गए। इस बार डॉक्टर ने उनका स्कैन किया तो स्कैन में पता चला कि उनके दिल के पास कोई ऐसी चीज है जो पेड़ की तरह उग रही है। इसके बाद डॉक्टर्स ने तुरंत मार्को की हार्ट सर्जरी की और उस अंकुरित मटर के दाने को निकाल दिया। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताते हैं जिसमें शरीर के अंदर अजीब तरह के कीड़े पैदा हो जाते हैं और हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये कीड़े फिर पैरों से निकलने लगते हैं। इनका नाम गिनिया वर्म है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में ड्रैकोनाकुलस मैडिनेंसिस के नाम से जाना जाता है। WHO के माने तो ये बीमारियां ज्यादातर उन देशों में होती हैं जहां पीने का साफ पानी नहीं होता। ये बीमारी पानी के अंदर मौजूद गिनिया लार्वा से होती है और जो इंसान इस पानी को पीता है उसके शरीर में ये वर्म 3-3 फीट तक लंबी हो जाते हैं और उन्हें इसके बारे में तब पता चलता है जब उनके पैरों में फफोले पड़ जाते हैं। इन फफोलों से ही इन लंबे लंबे कीड़ों को बाहर निकाला जाता है, जो काफी दर्दनाक होता है। आज ये बीमारी अफ्रीका के कई देशों में तेजी से फैल रही है। दोस्तों, अब हम आपको भारत में रहने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसको उसकी बीमारी के चलते लोगों ने प्रेग्नेंट मैन तक कहना चालू कर दिया। दोस्तों, इनका नाम है संजू भगत, जिनका जन्म तो एक नॉर्मल बच्चे की तरह हुआ, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगे उनके साथ उनका पेट एक अजीब ही तरीके से बढ़ने लगा। महाराष्ट्र के नागपुर में रहने वाले संजू भगत अपने पेट से काफी परेशान थे और उनके आसपास के लोग भी उनके पेट के चलते उनको चढ़ाते थे। एक दिन उनको पेट में तेज दर्द उठा और सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। आनंद फानन में उन्हें डॉक्टर्स के पास ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उनको देखते ही बोला कि उनके पेट में एक ट्यूमर है। जैसे ही डॉक्टर्स ने उनका ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स को जो उनके पेट से मिला उसे देखते ही डॉक्टर्स के भी होश उड़ गए। दोस्तों, क्योंकि उनके पेट में कोई ट्यूमर नहीं बल्कि जुड़वा बच्चे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो आपको बता दें कि साइंटिफिकली ये पॉसिबल है। डॉक्टर्स के अनुसार ये एक रेयर डिजीज है जिसे फिट्स एंड फेटू कहा जाता है। इसमें बच्चे के पैदा होते ही उसके अंदर उसी के दो जुड़वा भाइयों का भ्रूण चला जाता है और ये भ्रूण भी उसी की बॉडी के साथ ग्रो भी करता रहता है। डॉक्टर्स ने संजू भगत का ऑपरेशन कर उनके मृत जुड़वा भाइयों के भ्रूण को उनके शरीर से अलग कर दिया, जिसके बाद आखिरी बार डॉक्टर्स ने उनको उनके मृत भाइयों को देखने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उनको देखने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि संजू भगत की आधी जिंदगी उनके मृत जुड़वा भाइयों ने संघर्ष भरी बना दी थी। दोस्तों, अब हम आपको इंग्लैंड में रहने वाली 13 साल की स्टेफी के बारे में बताते हैं। ये लड़की रैपंजल सिंड्रोम नाम की एक बीमारी से ग्रसित थी। इस बीमारी में इंसान अपने और दूसरे इंसानों के बाल खाने लगता है। इस लड़की ने भी ऐसा ही किया। इसके बाद हुआ ये कि इस लड़की की आंत में बालों का एक बड़ा सा गुच्छा जम गया, जिससे ये लड़की कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। ये लड़की कुछ भी खाती तुरंत इसे उल्टी आ जाती। जब इस लड़की के पेरेंट्स ने डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने बच्चे की सर्जरी की और बच्चे की आंत से इतना बड़ा बालों का गुच्छा निकाला और स्वस्थ होने के बावजूद इस बच्ची को साइकोलॉजिकल हेल्थ सेंटर भेज दिया गया। दोस्तों, अब हम आपको वेस्ट अफ्रीकन देश नाइजीरिया में एक आम आदमी के साथ घटी एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसको जानने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बाबा तुंडे नाम के इस शख्स को उसके पीछे के रास्ते बहुत तेज दर्द हो रहा था, जिसके बाद इसने डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने इसको पेन किलर देकर घर भेज दिया। जिसके बाद उसी रात को इस शख्स को अचानक से पेट में बहुत तेज दर्द उठा, जिसके बाद इस शख्स का अल्ट्रासाउंड किया गया। अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर्स भी हैरान रह गए क्योंकि उसमें ये साफ साफ लिखा था कि इस शख्स के पेट में 1 फीट लंबी एक ऐसी चीज है जो तेजी से इसकी आंतों में इधर से उधर घूम रही है। इसको देखते ही डॉक्टर्स ने तुरंत ऑपरेशन करने का फैसला लिया। ऑपरेशन किया तो डॉक्टर्स ने इस आदमी के पेट से एक फीट लंबी लंग फिश को निकाला, जो कि बाबा तुंडे के पीछे यानी कि एनस के रास्ते से घुसे थे। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस शख्स के पेट में एक फीट लंबी लंग फिश घुस कैसे गई और घुस गई तो इसको पता कैसे नहीं चला। दोस्तों, अब हम आपको यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाली ओलिविया की रेयर कंडीशन के बारे में बताते हैं। दरअसल ये लड़की एक बहुत ही अजीबोगरीब बीमारी से गुजर रही थी, जिस बीमारी का नाम था एसोफैगिया।
इस बीमारी में इंसान लोहा, एल्युमिनियम समेत कई अन्य तरह की धातुओं को खाना पसंद करता है। एक दिन इस महिला के पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगा और ये महिला बेहोश हो गई, जिसके बाद इसे हॉस्पिटल ले जाया गया। इनका अल्ट्रासाउंड करवाया गया, सिटी स्कैन भी करवाई गई। सिटी स्कैन में क्लियर हो गया कि इनके पेट में अलग अलग धातुओं से बनी चीजें मौजूद हैं, जिसके बाद डॉक्टर्स ने एक टीम बनाकर फौरन इनकी सर्जरी कर दी। लेकिन सर्जरी में जो निकला उसको देखकर डॉक्टर्स भी हैरान रह गए, क्योंकि इस महिला के पेट से चम्मच के टुकड़े, गोल्ड की चेन और लोहे की कई अलग अलग चीजें निकली, जिनका कुल वजन 2.25 किलो के आसपास था। फिलहाल ये महिला एकदम सेफ है। दोस्तों, अब हम आपको चीन में रहने वाली हुआंग गोसियान की एक रहस्यमयी बीमारी के बारे में बताते हैं। इस महिला का पेट एक सामान्य अवस्था से ज्यादा बढ़ गया है। इनकी पूरी बॉडी के वजन का 40% हिस्सा सिर्फ इनके पेट का ही है। जब इन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने इनकी बॉडी के कई टेस्ट किए, जिसके बाद डॉक्टर्स को पता चला कि इनके पेट में लिवर सिरोसिस, ट्यूमर और कैंसर, ये तीनों ही एक साथ पनप रहे हैं। ये इनके शरीर में बहुत तेजी से फैलते जा रहे थे। इन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर $4,320 की मदद की मांग भी की थी। इस महिला के दो बच्चे हैं और जब ये अपने घर से बाहर निकलते हैं तो लोग इन्हें एक प्रेग्नेंट वुमन समझते हैं। फिलहाल ये महिला अभी भी अपने इस बढ़े हुए पेट से काफी परेशान है और इस उम्मीद में है कि ये जल्द ठीक होकर अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ पाएंगे। दोस्तों, अब हम आपको नॉर्वे में रहने वाली 8 साल की एली के बारे में बताते हैं। एक दिन इस बच्ची के पेट में दर्द होता है और वो उल्टियां करना शुरू कर देती है, जिसके बाद इस बच्ची को उसकी माँ तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है, जिसके बाद बच्ची का एब्डोमिनल स्कैन किया जाता है। इस स्कैन को करते वक्त ही ये साफ हो जाता है कि बच्ची के पेट में मैग्नेट है और वो भी एक नहीं बल्कि 37 मैग्नेट। इसको देखकर डॉक्टर्स भी हैरान रह जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के होश उड़ना भी बाकी थे। डॉक्टर्स ने जब एली की सर्जरी कर उन 37 मैग्नेट्स को बाहर निकाला तो एली ने डॉक्टर्स से पूछा कि उन्होंने उसके पेट से इन कैंडीज को बाहर क्यों निकाला है। एली के मुंह से ये सुनकर डॉक्टर्स के होश उड़ गए। एली की इस बात ने डॉक्टर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। डॉक्टर्स ने एली के पेरेंट्स को बताया कि वो शायद एक ऐसी अजीब बीमारी से जूझ रही है जिसमें उसको मैग्नेट कैंडीज की तरह लग रही हैं। अब साइंटिफिकली देखा जाए तो ऐसा तब संभव है जब रोगी कुछ सालों से अपना ज्यादातर समय अकेले बिता रहा हो, लेकिन 8 साल की एली के साथ ऐसा होना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा था। दोस्तों, अब हम आपको हॉलैंड में रहने वाली मार्गारेट डॉलमैन के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आप कभी सोच भी सकते हैं कि आपके सामने एक स्वादिष्ट सी कोई डिश रखी हुई है और आप उसे न खाकर वो जिस बर्तन में रखी हुई है उसे खाओ? नहीं ना, लेकिन ये लड़की यही सोचते थे। इसके बारे में इस बच्ची के पेरेंट्स को तब पता चला जब इस 10 साल की बच्ची के पेट में दर्द उठा और इसे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में इस बच्ची का 3D एक्सरे हुआ तो डॉक्टर्स को पता चला कि इस 10 साल की बच्ची के पेट में कटलरी के 78 पीसेस मौजूद है, जिसके बाद इसका ऑपरेशन हुआ और इसके पेट से इन कटलरी के 78 पीसेस को निकाला गया। डॉक्टर्स के मुताबिक ये बच्ची एक बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से गुजर रही है, जिसमें पेशेंट को चांदी और स्टेनलेस स्टील से बनी चमकदार चीजें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इस बच्ची ने भी डॉक्टर्स को यही बताया कि जब भी उसको खाना दिया जाता है तो उसको खाने से नफरत होती और दूसरी तरफ उसको कटोरी और चम्मच जैसी चमकदार चीजों को खाने का मन करता था। दोस्तों, अब जरा इनसे मिलिए। इनका नाम है डैनियल, जो लॉस एंजलिस में रहते हैं। वैसे दिखने में तो ये एक नॉर्मल इंसान की तरह है, लेकिन इनकी एक आदत ने इनको बीमार बना दिया है। इनके सभी ऑर्गन्स के अंदर पैरासाइट्स हैं, जिससे इनकी कभी भी मौत हो सकती है। एक बार ये 7 दिनों तक कोमा में भी चले गए थे, जिसके बाद इन्होंने डॉक्टर्स को बताया कि इन्हें कच्चा मांस खाने की आदत है। ये एक दिन में 1-1 किलो तक कच्चा मांस खा जाते हैं। ये सुनते ही डॉक्टर्स भी सोचने पर मजबूर हो गए कि कोई इंसान कच्चा मांस कैसे खा सकता है। डैनियल के पेट में मौजूद सभी पैरासाइट्स को खत्म करने के बाद डॉक्टर्स ने इन्हें बिहेवियरल एक्सपर्ट्स के पास भेज दिया और वहीं उनकी आदत छूटी। अब डैनियल एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लें। धन्यवाद।